यहाँ पर एक इमारत भवन ये यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे दरिंदे, ऐसा इस तरफ भी है ये वाला, उधर से आ रही होगी वो द्वार है जो बहुत बुरी बदबू आ रही है। कितनी दूर तक, इतने दूर से इसका बैट्स की गंध यहाँ तक, क्या ये है वो लग तो नहीं रहा, उस तरफ भी द्वार है। क्या यह सैनिकों के रहने के लिए व्यवस्था है? चलिए चल कर देखते हैं। तीर धनुष घोड़े पे सवार हैं, यहाँ पर वो है खंजर वैसा, और दूसरे हाथ में वो है। क्या ये हमीर देव जी की प्रतिमा? ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत ही बुरा है। क्यों? अच्छा, आप स्थिति देखिए, हम किस तरह से अपने जो पूर्वज हैं उनका सम्मान करते हैं। इसकी सीढ़ियां खंडित हो चुकी हैं। क्या यह अंदर जाती है लॉक सिस्टम की तरह? हिल तो रही है नहीं, वो शिवालय ये नहीं है। देखो वो सामने देखिए, वो है शिवालय, ये क्या लेकिन इसका आप ऊपर देखिए, छत देखिए, मैं ऊपर देखता हूँ चढ़कर। इस पर भी वैसा ही अंकित होगा, इस पर बनाया गया होगा जैसा नीचे के भवनों पर था, अन्य भवनों पर बादल। भवन की जो प्राचीर है, दीवार है, कितनी मोटाई है इसकी
5 फुट वो बाहर बाहर से दिख रही है, कुछ अंदर की रही। तो इसके अंदर थोड़ा जाकर देखते हैं क्या है। तो अंदर कुछ नहीं है, एक छोटा सा यहाँ पर आर्च की छत बनी हुई है, वैदिक आर्च। रोशनी की, प्रकाश की व्यवस्था कम है। क्या ये बाद में बंद किया गया इसको? हो सकता है, क्योंकि इसको का निर्माण करने का फिर औचित्य ही क्या है। चलिए पहले ऊपरी तल को देखते हैं। सामने महादेव विराजमान, और ऊपर देखिए पहले मैं आपको भवन दिखा देता हूँ। ये प्रवेश द्वार की छत, और इधर, और ये पिलर्स। इन पिलर्स पर ये अलग तरह का इन पर चित्रण किया हुआ है, जो हमने अन्य भवन देखे हैं उनसे भिन्न है थोड़ा। और ये देखिए, और वो सामने जो निर्माण था जिसके अंदर से काफी दुर्गंध आ रही थी। यहाँ से शायद ये जो पिलर था वो खंडित हो गया था, उसको सपोर्ट देने के लिए ये दीवार की गई है। और ये देखिए वहाँ से सेंटर पार्ट है गुंबद का। मध्य भाग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जो पुष्प का मध्य भाग है, और उसके मध्य एक छिद्र है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से महादेव पर जल का अभिषेक होता था। ऐसी व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो व्यवस्था बिगड़ गई है और वो अभिषेक अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जो चारों तरफ जो गुंबद है और उसकी जो नक्काशी है और जो चित्रण है वह अत्यंत शोभनीय है, काफ़ी सुंदर। और पत्थरों पर भी नक्काशी की गई है, काफ़ी सुंदर है। क्या ये वही महादेव का मंदिर है जहाँ पर हमीर देव ने अपना मस्तिष्क अर्पित किया था? राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर नहीं, जो हमीर देव के शासनकाल में जो जौहर हुआ था वो राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर था। तीन जौहर हुए हैं, प्रथम जौहर राणा
अमीर देव चौहान के शासनकाल में हुआ है, जो कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर। यहाँ पर जो अभिषेक के बाद जल की निकासी की व्यवस्था की गई है, जो कि उस तरफ है यहाँ से। ऐसी सुदृढ़ दुर्ग की व्यवस्था होने के बावजूद क्या कारण रहा कि बार बार हमारे पूर्वजों को हार का मुख देखना पड़ा? रणथंभौर दुर्ग की सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मार्ग में लौटते समय एक विचित्र जलधारा देखने को मिली है, नीचे से दिखाता हूँ मैं। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है ये देखिए। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, और मैं ऊपर का से भी दिखाता हूँ कि ऊपर से तो कहीं से पानी नहीं आ रहा है और इधर से भी कोई स्रोत नहीं जाना पड़ता। ये देखिए, इधर कोई पानी का स्रोत या कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी निरंतर काफ़ी वेग से ये जलधारा यहाँ से प्रवाह कर रही है, तो काफ़ी विचित्र ऐसा लग रहा है। चलिए वापस अपने वापसी के लिए प्रस्थान जारी रखते हैं। और सामने है गणेश मंदिर, और मंदिर के समीप लोगों द्वारा चढ़ावा मनुष्य जहाँ पर भी जाता है ऐसा चढ़ावा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हुए ये देखिए। इसका कारण क्या है और हल क्या है? इसका कारण ये है कि हमें इस बात का नहीं पता कि पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो कागज के कप हैं और ये घास के सूखे घास लकड़ी ये सब बायोडिग्रेडेबल है। कप गल जाएंगे पर पॉलीथीन नहीं गलेगी। ये पेट बॉटल्स पॉलीएथाइल पेरीफ्थैलेट ये कभी गलने वाली नहीं है। ये उपहार है मनुष्य का प्रकृति को उपहार। अच्छा तो है ये रिटर्न गिफ्ट। जहाँ जहाँ मनुष्य के कदम पड़ जाते हैं वहाँ वहाँ हमें ऐसे उपहार देखने को मिलेंगे अनेकों अनेक जगह। इसका हल बताइए मुझे। इसका हल यही है कि इसका कोई हल नहीं है। अभी वापस चलते हैं यहाँ से, और सामने गणेश मंदिर जो कि काफ़ी यहाँ पर मान्यता रखता है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। गणेश मंदिर से लौटते समय एक बुर्ज जिसकी सीढ़ियाँ खंडित हैं, लेकिन फिर भी चढ़ने का प्रयास करेंगे। Thank you.
ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने वहां देखा था नवीन जी। कहां पर? अंदर वन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यह तोप के रखने का स्थान तो नहीं है? इसमें उसका गोल्डन होता है, इसमें घुमाई जा सकती है किसी भी दिशा में। इधर सिपाही चलेगा। तो अभी यात्रा समाप्ति। अमीर देव महल जहाँ पर प्रवेश निषेध रहता है हमेशा। इसके समीप ही उस तरफ रानी महल जो कि खंडित।